ओके गाइज, यहाँ पे हम बैटल रॉयल खेलने वाले हैं बुलेट इको इंडिया गेम में, और हम बेस्टियन करेक्टर से खेलने वाले हैं क्योंकि ये मेरे पास बहुत ही तगड़ा लगता है भाई। और हमारे पास सबसे ज़्यादा अपग्रेड मैंने उसी को कर रखा है भाई। वैसे तो इससे भी बहुत तगड़े तगड़े करेक्टर हैं इसमें, लेकिन हमारे पास वो है ही नहीं, तो भाई हम इसी से काम चलाएंगे। काम क्या, तबाही मचाएंगे भाई इससे, देखना तुम। बेस्टियन करेक्टर को कम मत समझो, ये पूरा तबाही मचाता है। एक मिनट रुको जरा, अगर आपको ऐसे बेहतरीन शानदार गेमिंग टी शर्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चेक करिए, खरीदिए, बहुत ही अलग लेवल का टी शर्ट हमने दे रखा है। ओके, यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो तामझाम लेना होता है उसको ले लेते हैं भाई, हेन तेन लंटे में यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि गेम प्ले कैसे किया जाता है भाई, प्रो आ चुका है गेम में। लो भैया, सबसे पहले इसको अपग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद से बंदों को बताते हैं कि बेस्टियन करेक्टर से कैसे मारते हैं भाई। ये देखो, इधर मेला करने आ रहे हो भाई, लो निपटा दिया तुम लोगों को ना, देखा, हमसे पंगा ना है भैया। चलो भाई आ जाओ, जल्दी बताते हैं तुमको, इसको अपग्रेड कर लेते हैं भाई। आर्मर इनहेंसर है ये, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ गए बंदे भाई? ओके ओके, इधर देखो साउंड आ रहे। अरे भाई, हमारे बंदों को निपटा दिया भाई, रुक भाई आ रहा हूँ, उनको निपटा के आ रहा हूँ तुम्हें जिंदा करने के लिए। देखो आ गया। ओ भाई, ये तो VI करेक्टर है भाई, मार भाई इसको, वरना ये टाइम पे हमें मार देगा। इसको जिंदा कर देते हैं भाई। भाई साहब VI करेक्टर आ गया, ये भी मुझे काफ़ी तगड़ा लगता है भाई। कब कैसे मारेगा तुम्हारे शरीर के आर पर पता भी नहीं चलेगा भाई, पूरा चीर फाड़ कर देता है यहीं पर पोस्टमार्टम तुम्हारा। ओके, ये देखो इधर कहाँ भाई, पार्टी वोटी करने आ रहे हो क्या? साइड से मारते हैं भाई, ये देखो शील्ड लगा लिए भाई, हम साइड से हुक देंगे, प्रो हैं हम। विक्ट्री हो गई भाई हमारी बहुत ही जल्दी भाई। चलो भाई, हम किंग ऑफ द हिल गेम खेलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है भाई बैटल रॉयल तीन बंदों के साथ। वो हमारे अपने बंदे थे भी नहीं भाई, अनोन बंदे थे, दोस्त होते तो भाई मज़ा आता थोड़ा बहुत उनके साथ चिल करते, लेकिन मान लो कि अनोन सिंगल ही समझ लो भाई, सोलो ही समझ लो खेल रहे थे, इससे अच्छा तो हम यही खेल लेते हैं सोलो वाला, इसमें ही मार लेते हैं बंदों को, क्योंकि उनसे भी बात नहीं होगी और यहाँ पर भी बात नहीं होगी। भाई सब बंदे कहाँ पे हैं भाई? ये रहा एक आ गया भाई, ये देखो, आजा 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 आजा, तेरा सेवा पानी करता हूँ यहाँ पे, ख़त्म। ओके भाई, हमें आर्मर ढूंढना है यार, हमारे पास आर्मर नहीं है। अरे कोई तगड़ा बंदा आ गया तो हमें यहीं पर छेद देगा। ओके भाई साहब, यार देखो कैसे लड़ाई हो रही है भाई, खूब सुना रहा है भाई। आर्मर कहीं नहीं दिख रहा है भाई। और अगर आपने हमारा टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए भाई, गेम को कैसे अच्छे से प्रो लेवल पे खेलते हैं। अगर आपको उसका पार्ट 3 चाहिए तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। अरे भाई साहब कहाँ पर हो, आ जाओ, एक ही बंदा बचा है भाई, एक ही है, वो तगड़ा बंदा होगा। ये रहा, भाग रहा है, देखो आजा आजा आजा, इधर हूँ मैं, आजा आजा, इसको यहाँ से मारते हैं भाई, खत्म। ये क्या हुआ भाई, कौन सा रिवार्ड मिल रहा है भाई हमें? करेंट लीग का। ओके, विक्ट्री मिली है क्या हमें उसमें? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार गेम हो रहा है भाई, मज़ेदार है एकदम। बस्टियन करेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भाई, और मैंने इसको फुल अपग्रेड तो नहीं किया है, लेकिन कुछ दिन में फुल अपग्रेड भी कर दूंगा एकदम हाई लेवल, काफ़ी मज़ेदार है भाई। ओके, सबसे पहले हम अपना हेंदे लंटे में यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको बेस्टियन करेक्टर के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें बहुत ही सोली टिप्स है भाई, मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किस। अरे रे रे भैया, ये देखो आ गए, ये लो खा लो गोली, बहुत है हमारे पास फ्री का। आर्मर इनहेंसर है भाई, जल्दी से इसको लगा लेते हैं। बड़ा तगड़ा करेक्टर लगता है भाई मुझे बेस्टियन। देखो साइड से बंदे जा रहे हैं, ये देखो फाइटिंग करने के, जाओ जाओ जाओ, थोड़ा लड़ो लो भाई हमें थोड़ा। अरे 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 अरे, पीछे से मार रहा है भाई, ये देखो, ए दोनों तरफ से मार रहे भाई, दोनों तरफ से मार रहे भाई, क्या पागल वागल हो क्या बे, क्या आरामी बंदे है भाई। चलो भाई, अब इस बार हम ना क्या करते हैं, स्टाल कर जो हमारा करेक्टर है उससे हम खेलते हैं, हमने करेक्टर चेंज कर दिया है
और इस पर टिप्स एंड ट्रिक का एक बंदे ने वीडियो कहा था बनाने के लिए। तो भाई ये मुझे कुछ खास करेक्टर नहीं लगता है, मतलब अच्छा है लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर भी लगता है बहुत सारे पॉइंट पर। मैं इसमें आपको एक दो टिप्स दे देता हूँ, देखो अगर आप इस करेक्टर के साथ खेल रहे हो तो। ओके, सबसे पहले तो गेम स्टार्ट होने दीजिए। देखिए अगर इससे अगर आप खेल रहे हो तो थोड़ा दूरी मेंटेन करके फायरिंग करो। अगर आप एकदम पास में जाकर फायरिंग करोगे तो इजीली इसको मार दिया जाएगा, कोई भी बंदा इसको मार सकता है अगर पास जाकर आप फाइटिंग करते हो तो। तो अगर आपके पास ये वाला करेक्टर है तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके आपको फायरिंग करना है और घास में छिपकर मारना है। जी हाँ, थोड़ा सा आपको हाइडिंग, यहाँ पे बंदा है तो हम इसको फिनिश करते हैं। देखो हम घास में थे और उसको पता भी नहीं चला और हमने इसको रेल दिया यहाँ पे। जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट करते हैं भाई। ये देखो एक और बंदा है, देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे दूरी मेंटेन करेंगे और उसको इजीली मारेंगे, उसको पास नहीं आने देंगे। तो इसका यही एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स है कि अगर बंदों को मार रहे हो, ये बेस्टियन करेक्टर को भी मार सकता है, इसको कम मत समझना, लेकिन इसके लिए आपको दूरी मेंटेन करना होगा क्योंकि बेस्टियन करेक्टर का जो हमें रेंज देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा सा कम होता है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे करेक्टर हैं जिनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है इससे भी, लेकिन फिर भी अगर हम इससे थोड़ा सा दूर होकर मारेंगे तो हमें ज़्यादातर विक्ट्री मिलने के चांस होते हैं। तो हमें थोड़ा रेंज में रहना होगा। और मान लो अगर आप इसका एबिलिटी यूज करते हो तो एबिलिटी यूज करके इधर उधर भागो मत, एक जगह स्थिर हो जाओ। ये रहा बंदा, इसको मारते हैं भाई। तो हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया और हमारा गेम भी कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।